और यहाँ पर देखो सोनम की गाने की शूटिंग अभी खत्म नहीं और बज रहा है श्याम के साथ, और ये चल रही शूटिंग, इधर बंदना ही माला डाल रखी है, पता नहीं क्या डाल रखी है, ऐसे ही वो जिंसू माला देगा तो जिंसू के जैसे। गाइस शाम के 6 बज चुके हैं, अभी झाड़ू पोछा लगाया, अभी खाना तो बिल्कुल भी नहीं बना, भगवान नवा रहे हैं और पानी भर रहे हैं, पूरी साफ सफाई करने में 1 घंटा लग चुका है, और अब बनाएंगे खाना। आज के दिन तो बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि आज ग्रहण था तो कुछ भी नहीं किया ज़्यादा काम, तो मैं कुछ ही ब्लॉग नहीं बनाई। भाई यहाँ पर नवाए जा रहे हैं भगवान, आज भगवान भी नहीं नवे, सुबह सुबह आज शाम के भगवान नवा रहे हैं हमारे। इस बार गाना चल रहा है इनका, अनुज का है, पता नहीं 10वा गाना है क्या 11वा है, पता नहीं है अभी तो मुझे। तो इस बार गाना बन रहा है इनका, क्या नाम है? खाना खाने सभी लोग बैठ चुके हैं, मैं वंदना राकेश हम लोग शूटिंग कर रहे थे गाने की, इसलिए आज हम लोग लेट हो चुके हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने खाने में क्या बनाया। तो ये वंदना मैडम है, आई थिंक मम्मी ने दिखा दिया होगा, इसमें दाल है, ये देखिए दाल है, और ये रहे चावल, और ये है दोस्तों मदीला दाल चावल, और ये देखिए हाथ लिपटे लिपटे, और ये है राकेश भाई साहब जो कि खा रहे हैं, और इधर बैठी है मम्मी, और भाभी धनिया काट रही है राकेश के लिए सब्जी में डालने, और ये मेरी थाली लगी हुई है, तो अब हम लोग फटाफट से खा लेते हैं। देखिए आज हमने इतना ज़्यादा बोर चला दिया, पता भी नहीं चला, और ध्यान भूल गए बातों बातों में, सारे छत पर पानी पानी हो गया, इधर पता नहीं कहाँ कहाँ तक निकल गया पानी, उस तरफ भी निकल गया उस पार। भाई बताते हैं आज खाने में क्या बनाया, ये बनाया हमने गिलकी की सब्जी, और इधर बनाई हमने ये सेव की सब्जी, और ये बनाए रोटी के पोहा, और इधर खा रही है ये आरती जो बदरवास से आई है, मेरी भतीजी है, मैं आज बदरवास गई थी गोवर्धन लेने के लिए, तो उनको साथ में लेकर आई, और कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया ग्रहण था, और आज भी मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाई, और इधर खा रहे हैं सोनम के भैया, और इधर खा रहे हैं सोनम खाना, और ये खाने वाले वंदना खाना खाने के लिए आ गई हैं, और इधर बन रही है हमारी भाभियाँ, और सब लोग खा रहे हैं। और गाइस हम आए आज पुराने घर, कल गोवर्धन रखने के लिए आए थे, और आज दोजियाँ रखने के लिए आए थे मैं, और ये मेरी भतीजी, उस घर अच्छा नहीं लग रहा था, इस पुराने घर आए हैं, इधर अच्छा लगता था, तो इस घर घुमाने के लिए इसको लेकर आई मैं, और अब मैं बताती हूँ दो जी रखेंगे वहाँ पर पुराने घर जा कर के। और ये गाय हमारा गोवर्धन है, यहाँ पर पूजा की गई थी कल, मैं बना कर गई थी और कल ब्लॉग नहीं बना पाई, और ये रहा हमारा गोवर्धन, ऐसा ही आता है बनाना, पता नहीं कैसा बनाते हैं पर मुझे तो ऐसा ही आता है बनाना, कितना प्यारा लग रहा है गोवर्धन। और ये रहा गाय हमारा ये पुराना घर, पहले यहाँ रहते थे, वीडियो बनाते थे, कितना प्यारा लगता था इस घर में, बहुत ही अच्छा लगता था। और ये रही हमारी बाथरूम, बाथरूम भी हमारी बहुत अच्छी थी, कितनी गंदी गंदी पड़ी है अब यहाँ ना रहने की वजह से। और इधर लग रहा है हमारा ये कद्दू का पेड़, ये हमारा कद्दू का पेड़ लग रहा है, और ये जामुन का पेड़ है, और इधर भी कितना प्यारा प्यारा हरियाली लग रही है, हमारे फूल लग रहे हैं गाइस, उधर फूल नहीं मिल पाते, फूले के फूल को तरसते हैं भगवान पर चढ़ाने के लिए, और इधर भी फूल लग रहे हैं देखो कितने, और ये मीठा नीम लग रहा है हमारा ये वाला, और ये नींबू का पेड़ लग रहा है, और इधर भी फूल लग रहे हैं वाइट गुलाब, और इधर हमारे लग रहे हैं ये सीताफल लग रहे हैं गाइस, ये देखिए ये सीताफल लगे हैं हमारे, बहुत सारे सीताफल लग रहे थे, इस बार रखवारी ना करने की वजह से सारे सीताफल टूट गए, क्योंकि रखवारी करना पड़ता है फिर फलों से तभी बच पाते हैं। ये रहे हमारे सीताफल, अभी तो लग रहे हैं पर कच्चे लग रहे हैं ये सीताफल, देखिए हमारे कितने प्यारे लगते हैं फल, और हरियाली लग रही है, और छोटा पेड़ था ये, और इधर बड़ा वाला पेड़ है सीताफल का हमारा, और इधर लग रहे हैं शायद कद्दू, हाँ इधर लग रहे हैं हमारे ये कद्दू, और यहाँ पर लग रहे हैं हमारे कद्दू, देखिए गाइस कितने प्यारे लगते हैं घर के कद्दू, टेस्टी टेस्टी ये हमारे कद्दू लग रहे हैं यहाँ पर पुराने घर, और ये हमारा पुराना बड़ा वाला सीताफल है, यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ से निकल निकल कर सारे सीताफल तोड़ ले गए, और इसलिए सब खत्म होगा सीताफल इस बार, नहीं तो हर बार सीताफल इतने सारे लगते थे,
बहुत ज्यादा। कद्दू के फूल इतने सारे लग रहे हैं, अभी तो बहुत सारे कद्दू लगेंगे, बहुत ज्यादा। इस घर पर देखो गाइस चारों तरफ हरियाली हरियाली है, कितना प्यारा लगता है यहाँ पर। और उधर तो हरियाली देखने को ही तरस जाते हैं, और यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है हरियाली की वजह से। ये गाइस मैं आई थी ऋषिका के घर गोबर लेने के लिए, और ऋषिका पता नहीं कदर दब गई हैं व्लॉग बनाने के लिए, उनकी मम्मी खड़ी हैं, और इनका भी गोवर्धन बन गया है यहाँ पर। देखिए कितना बड़ा गोवर्धन बना है इनने, इनके पास घर का गोबर है ना इसलिए बहुत बड़ा बनाती हैं। और ये ऋषिका पता नहीं कहाँ दब गई, और वीडियो में नहीं दबती है ना ऋषिका। ऋषिका कहाँ पर छुप गई है, विकेट लगा लिए गाइस ऋषिका ने। अब देखाऊंगी वीडियो बनाए तो नहीं आऊंगी गाय जी, ऋषिका दुख गई है क्योंकि उन्होंने नहाया नहीं है इसलिए दुख गई है, बहुत गंदी हो रही थी काम कर करके तो फिर क्या दुखी है हम नहीं बच्ची है अक्कल नहीं है बिल्कुल भी। और ये गाय जी ऋषिका उनका घर रहा, देखे कितने अच्छे से लिप रहा है यहाँ पर, कितना बढ़िया लग रहा है। ऋषिका उनके घर पर इनके पापा जी बैठे हैं, ये उनकी बुआ जी बैठी हैं, और ये ऋषिका उनकी यहाँ पर भैंसे रही हैं। ये देखो घर का दूध है उनके पास, कितना अच्छा लगता है जब घर का दूध होता है घर में। तो ये उनका पड़ा है कि पड़िया है ये पड़ा है। ओ और ये गाय ऋषिका उनका घर रहा, शादी बना दो। और यहाँ पर गाय हम बना रहे हैं दूजियाँ बनाने की लिए आई में पुराने घर, और ये निकल रहा है, निकल के बाद बताना यहाँ पर निकल है खेल रहा था, तो हम बना रहे हैं यहाँ पर ये दूजियाँ गाइस। हम दोनों बनाती हैं तो जल्दी बन जाती हैं, हेल्थ की वजह से रही एक जना तो बहुत देर लग जाती है बनाने में, बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर देखो बन गए गाइस, कितने प्यारे साथिया बनाए इनने, बहुत अच्छे से बनाती हैं ये गाइस। देखो हमारी दूजियाँ बनने लगी यहाँ पर, यहाँ पर देखो गाइस हमारी ये दूजियाँ बनने लगी हैं। हमको तो बनाना भी नहीं आता, क्या करें बना लेते हैं, बन जाए जैसी पूजा हो जाए बस, त्यौहार पर अच्छा लगता है मन में कि हाँ पूजा की है हमने, करना पड़ता है पुराने रीति रिवाज हैं, चलना पड़ता है पुराने रीति रिवाज के हिसाब से। हेलो गाइस ये बन चुकी हैं चाची अंगे रंगोलियाँ दोजियाँ। हाँ दोजियाँ, दोजियाँ इधर करो, आती तो है नहीं पर आ रही हैं जैसी बना रहे हैं। ये बन चुकी हैं दोजियाँ, यहाँ पर पास करके बताओ। और ये भगवान देखो हमारे पुराने घर, कितनी सारी चींटियाँ हो गई हैं, बहुत सारी चींटियाँ हो रही हैं हमारे यहाँ पर आने घर। देखिए गाय रहते हैं तो कितना साफ सुथरा रहता है, तो आप देखो चींटियों का ढेर लगा है यहाँ पर, और ये चींटी निकलती जा रही है यहाँ पर, देखिए गाय जी। और गाय यहाँ पर अंशु बैठे हैं, बोल रहे हैं मुझे मत बताओ, क्योंकि उन्होंने मुंह नहीं धुला और चाय पी रहे हैं अंशु, तो मुँह छिपा लिया अंशु ने, कहीं मेरा मुँह मत बताओ धुला नहीं है दांत है किसी, अच्छा दांतन में बदबू आ रही है और इसलिए तो। और ये रही अंशु की चाय, कितनी तेज ठंडी घर का पीता है अंशु चाय। अंशु बताओ ना सकल, डांट। और ये गाय इधर बन रही है इनकी हंसु उनकी सब्जी, ये रही बैगन की सब्जी यहाँ पर, और ये रात की पकौड़ी रखी है बस इनकी यहाँ पर, इनका ये दूध रखा है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम है ये हमारी किचन थी, तब बहुत अच्छे से साफ रखते थे इस किचन को, और अब देखो कितनी गंदी किचन हो रही है, ये कोई सफाई करेगा तो कहाँ तक करेगा। ये गाय देखिए हमारे घर में कितना छोटा सा सांप, ये देखिए एक अच्छे घर में ऐसा होता है, असली का सांप है ये। ये गाय देखो मैंने इसको मार दिया है, गाय देखिए यहाँ पर दूध फन गया है क्योंकि ये सब बच्चे देखने लगे सांप के बच्चे को। और इधर बन गई है ये रोटी हमारी अंजू की, और इधर क्या है अंजू नहीं है। और ये गाय कितनी प्यारी डलिया है देखो, इसको अंजू डाल रही थी हमने उजागर कर दिया है, कितनी अच्छी लग रही है ये डलिया। और सब्जी में क्या बनाया है अंजू, छोला पनीर। और ये गाय देखो छोले पनीर की सब्जी है, कितनी प्यारी लग रही है। और ये इधर इनकी खीर रखी हुई है रात की, और ये बैगन की सब्जी रखी हुई है रात की, और ये हमारे पुराने घर का खाना रहा। और ये हमारी बन चुकी है दो जी, और हम जा रहे हैं पुराने घर ना कर आएंगे दो जी पूजने के लिए। और गाय आ गए अब हमारे नए घर पर, कम से कम मुझे लग गए 2 घंटा आने जाने में दो जियाँ बनाने में, और अब आ गए हम हमारे नए घर, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अंदर पता नहीं। और इधर कौन है, इधर बैठे हैं दीपक, और इधर पता नहीं बंदना उठ रहे हैं क्या, और ये राकेश बैठे हैं नहाने के लिए इधर,
और इधर देखते हैं कि सिर में क्या हो रहा है। नहीं है ना? और ये सोनम लगा रही है ये आटा, ये यूट्यूबर लगा रही है ये आटा रोटी बनाने के लिए। और सब्जी में क्या बन रहा है आरती? आलू गोभी बन रहा है सब्जी में। आलू गोभी बन रहा है भाई सब्जी में, आलू गोभी हमारे।